तो वहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम 39वीं पुण्यतिथि पर AICC की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें अभी देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें शक्ति स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली से सीधी तस्वीरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और हर वर्ष की प्रथा जिसमें दिल्ली में जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, रामधुनी और भजन वहां पर लगातार चलते रहते हैं और ऐसे में कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज जुटते हैं, इंदिरा गांधी को याद करते हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पहले जब आपने कार्यक्रम पिछले साल भी देखा होगा, कार्यक्रम में जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ पहुंची थी, उसके बाद उनका पारिवारिक जो स्नेह है वो उनकी आंखों में आंसुओं के तौर पर नजर आया था। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली से हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में ये कार्यक्रम जो कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर AICC में रखा गया है, AICC की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पहुँच गए हैं और पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 39वीं पुण्यतिथि इंदिरा गांधी की आज, उनके क्रांतिकारी फैसले, उनके किए गए कार्य, उनकी बुलंद आवाज़ और उनके बोल्ड फैसलों की बदौलत कांग्रेस पार्टी आज भी उनकी नीति, उनकी विचारधारा पर चलने का दावा करती है। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, क्योंकि दिल्ली में लगातार विधानसभा चुनावों के तहत सूचियों को लेकर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने को लेकर मंथन जारी है। कल देर रात तक मीटिंग चलती रही और आज इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर AICC की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, शक्ति स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन, उसमें अब से कुछ देर बाद में और भी कई चेहरे आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां पहुंचकर पुष्प अर्पित किए हैं, नमन उन्हें किया है। ये देखिए तस्वीरें, ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं AICC की ओर से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कुछ देर के बाद में, क्योंकि आज दुआओं का और श्रद्धांजलि देने का दौर जारी रहेगा। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज 39वीं और ऐसे में कांग्रेस लगातार जन विचारधाराओं पर चलने और जिस बुलंद आवाज के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करती है उसके पीछे एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा चेहरा इंदिरा गांधी का नजर आता है। जिस तरह के फैसले उनके रहे, जिस तरह की योजनाएं उनकी रही, जिस तरह से भारत को एक महिला प्रधानमंत्री के तौर पर एक बोल्ड नीतियों वाली एक महिला और उनके विजन के साथ, दूरदृष्टि के साथ में आगे बढ़ाने की पूरी तस्वीर रही, पूरी ताकत रही, उन सभी चीज़ों के बीच में जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि आज भी देश उन्हें उनके उस अंदाज के लिए, उनके किए गए कार्यों के लिए कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर याद कर रहा है, तो फिर ये तस्वीरें और भी ज़्यादा खास हो जाती हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं। 39वीं पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम, जिसका आयोजन शक्ति स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर, ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उस समय की तस्वीरें, और उसके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहाँ तक पहुँचेंगे और भी कई अलग अलग चेहरे आपको इसमें नजर आएंगे। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि, जब 39 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, उस समय पूरा देश उस तरह से सकते में आ गया था क्योंकि जिस नीति पर वो लगातार काम कर रही थी, और उसके बाद भारत गणराज्य की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह से उन्होंने बागडोर संभाली, 1984 में राजनीतिक हत्या जब तक उनकी हुई, वो भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, जिनकी नीतियां बेहद खास, बेहद प्रभावी भी रही। 31 अक्टूबर को हर वर्ष इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, अब से कुछ देर बाद तस्वीरें भी आप देंगे। हालांकि भारत में कई ऐसी सशक्त महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने अभूतपूर्व कार्य और योगदान के बूते अपना नाम कमाया है, सुनहरे अक्षरों में इतिहास में, इतिहास के पन्नों में उनके नाम दर्ज है। लेकिन इंदिरा गांधी का नाम वाकई में, जब ऐसी सशक्त महिलाओं का नाम हम सुनते हैं, देखते हैं और सुनते आए हैं, तो वाकई में उनका नाम उस फहरिस्त में बहुत अव्वल दर्जे पर, देश के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री और उसके साथ में जो एजुकेशन बैकग्राउंड उनका रहा, वो एक इंजीनियर थी,
डॉक्टर, पायलट और कई अन्य पदों पर पहली महिला ने स्थान पाते हुए फिर औरतों को आगे बढ़ने के लिए अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी राह बनाने के लिए उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया था। लेकिन 39 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन कांग्रेस की ओर से शक्ति स्तर पर जो कार्यक्रम का आयोजन है हर वर्ष किया जाता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ष पहुंचते हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये दो अलग अलग तस्वीरें जिस समय पहुंचे। अब लोकप्रियता का और राजनीतिक जो उनकी ऊंचाइयां उन्होंने छू, इसका आलम यह है कि उनके बाद से लेकर अब तक देश को और कोई महिला प्रधानमंत्री दूसरी अब तक नहीं मिली है। जो सशक्तिकरण उन्होंने महिलाओं का करने की कोशिश की, जो बोल्ड फैसले, जो नीतियां रही, हो सकता है कि उस समय कोई वर्ग ऐसा रहा होगा, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया हो, लेकिन क्रिटिसिज्म से परे भी जब इंदिरा गांधी की शख्सियत या फिर नाम ही हम जब सुनते हैं तो जहन में सिर्फ और सिर्फ ताकत, मजबूत और एक एक कांग्रेस के स्तंभ के तौर पर छवि नजर आती है। बतौर देश के प्रधानमंत्री जो दमदार फैसले उन्होंने लिए, उनके फैसलों ने पूरे देश भर में क्रांति ला दी। हालांकि जब उन्हें ये पद सौंपा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात, तो देश को लग रहा था कि महिला, जो समय उस समय सोच ऐसी हुआ करती थी कि महिला है प्रधानमंत्री का पद है, लेकिन फैसले उनके अलावा पद पर तो वो रहेंगी लेकिन फैसले और कोई लेगा। लेकिन जिस तरह से क्रांतिकारी और दमदार फैसले इंदिरा गांधी ने लिए, वाकई में आज के समय के लिए भी एक मिसाल। और तस्वीरें आप शक्ति स्थल से देख रहे हैं जहां पर कार्यक्रम